ऋषभ पंत ने एमएस धोनी की बराबरी 634 दिन के बाद किया ये कारनामा। क्या है साथियों पूरी खबर, आइए जानते हैं इस वीडियो में एकदम विस्तार से। दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में टीम इंडिया की पकड़ काफी मजबूत दिखाई दे रही है। पहली पारी में आर अश्विन ने और दूसरी पारी में ऋषभ पंत ने कमाल का शतक लगाया है। दरअसल पंत की टेस्ट क्रिकेट में लगभग 2 साल के बाद वापसी हुई है। ऐसे में फैंस के मन में सवाल उठ रहा था कि उनका कमबैक कैसे होगा। पहली पारी में पंत ने अच्छी पारी खेली थी लेकिन अपनी पारी को वे ज्यादा लंबे नहीं कर पाए थे, लेकिन दूसरी पारी में पंत ने सबकी पारी खेलकर शानदार कमबैक किया। चेन्नई टेस्ट की दूसरी पारी में ऋषभ पंत ने कमाल की पारी खेलकर टेस्ट क्रिकेट में शानदार कमबैक किया। पंत ने 128 गेंदों पर 109 रन की पारी खेली। अपनी पारी के दौरान पंत ने 13 चौके और 4 शानदार छक्के लगाए। बता दें टेस्ट क्रिकेट में पंत के बल्ले से ये शतक 634 दिन के बाद आया है। ऋषभ पंत का ये टेस्ट क्रिकेट में छठवां शतक है। ऋषभ पंत का ये 58 टेस्ट पारियों में छठवां शतक है। वहीं इससे पहले टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भी टेस्ट क्रिकेट में 6 शतक लगाए थे। धोनी ने 6 शतक 144 पारियों में लगाए थे। अब ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भारतीय विकेट कीपर के लिस्ट में महेंद्र सिंह धोनी के बराबर पहुंच गए हैं। तो दोस्तों ये है ऋषभ पंत और महेंद्र सिंह धोनी के टेस्ट क्रिकेट में शतकों की जो संख्या है उसमें बराबर हुई क्यों उसकी खबर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों इस तरह के वीडियोस के लिए आप आपके अपने YouTube चैनल N7 Sports